सीसीटीवी फुटेज है और जो उसके अलावा दूसरे जो डिजिटल एविडेंस है उसके आधार पर एक पूरी टाइमलाइन बनाई जाएगी और इसके बाद ही हम एक डेफिनेट कोई व्यू ले पाएंगे कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे, बिकॉज अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरीफाई करना बाकी। सर, कितने दिन का ये जो गाड़ी को घसीट के ले जाया गया, उस गाड़ी के जरिए स्कूटी को बताया जा रहा है 4 किलोमीटर तक घसीटा गया और बाकी अगर जीपीएस लोकेशन अगर देखे तो तकरीबन 12 किलोमीटर के आसपास का आता है। क्या आप जानकारी दे सकते हैं कि कितने किलोमीटर उस कार ने उस लड़की को घसीटा? सर देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये दुखद मामला है, जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है, रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया, फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए, स्कूटी का जो एड्रेस था उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था सभी के सभी जो